कसूरी मेथी का बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है, और यहाँ बारीक कटा हुआ मेरे पास हरा धनिया है, ये चीजें मैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फूल गोभी आलू के साथ मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है, मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ मेरे पास एक प्याज को हमें सॉटे करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसे फ्राई करना है। यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून छोटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर दूंगी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी शामिल कर दूंगी, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक जाएगा। मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मसाले को भूनेंगे, 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्चें हैं वो शामिल कर दी मैंने इसमें। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ मेरे पास 1/2 kg फूल गोभी है, 2 मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं जिसमें शामिल कर दूंगी, और इसे भी भून लूंगी मैं। मसाला भुन चुका है, मैं यहाँ इसे कवर कर दूंगी। पानी इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि सब्जियों में अपना पानी बहुत होता है। और फिर इसे थोड़ी देर में इसे थोड़ा स्लो उस पर रख दूंगी फ्लेम पे, और ये भाप में पक जाएगा, आलू भी इसमें टेंडर हो जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं आलू गोभी तैयार हुआ है कि नहीं। आलू गोभी तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, और यहाँ बारीक कटा हुआ मेरे पास हरा धनिया है, ये चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी। 5 मिनट के लिए दोबारा से इसे बंद करके हम स्टीम पे रख देंगे, और बहुत मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। साइड डिश के तौर पे सब्ज़ी तो अब बनती है हमारे पास, क्योंकि बच्चे तो खाना पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी बच्चों को मना के प्यार मोहब्बत से खिलाना पड़ता है, क्योंकि साइड में कोई और एक डिश और मैं बना लेती हूँ ताकि फिर ये भी साथ में खाई जाए, ऐसा ना हो कि सब्ज़ी खाने की आदत बिल्कुल छूट जाए। तो सब्ज़ियाँ क्योंकि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, और इसमें आलू भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। तो ये एक झटपट सी रेसिपी है और बहुत ईजीली बन जाती है, तो बनाएँ, आप भी बनाएं। जब भी गाँव में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।